बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना बाबू भैया शादी कब कर रहे हो, तो बाबू भैया ने स्पीति में आके शादी का प्लान कर ही लिया। तो भाई मैं कहीं पे भी जाता हूँ लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। शर्माता कौन है? फाइनली बाबू भैया -5 डिग्री में नहा चुके हैं। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे। सो यार अभी हम लोग रुके थे कुछ खाने के लिए एंड ये अकेला ढाबा मिला था हम लोगों को। काजा कितना दूर होगा भाई यहाँ से? 85 किलोमीटर। एक भाई मिला हम लोगों को, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था, ब्रोसेना के मेंबर ने हमें इंटरनेट दिया। थैंक यू सो मच गाइज इतना द हेल्प आउट करने के लिए। फिलहाल बहुत अच्छा लगा यार मेरे को ना, जब मैंने नेपाल का झंडा देखा ना, बहुत टाइम बाद मैंने नेपाल का झंडा देखा। एंड मैं आपको चीज बताता हूँ, आज हम लोग काजा खींच ही लेंगे बिकॉज हम लोगों ने लोगों से पूछा है तो बर्फ बर्फ स्नो स्नो कुछ भी नहीं है। एंड हम लोगों ने फिलहाल अभी कुछ सूप सूप ऑर्डर करा है एंड पराठे पराठे चाय भी ऑर्डर करा है, तो वो सब खाते हैं बिकॉज बहुत ठंडा है एंड भूखे हम लोग सुबह से। तो भाई भाई आराम से, भाई क्या करा तुमने? गाइस इसने पराठा गिरा दिया। मैंने कहा गिरा भाई? तो यार इसने मेरा पराठा गिरा दिया था एकदम भयंकर, वो तो शुक्र है रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो मैंने तो गिराया ही नहीं। सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। एंड यार वो पराठा ना हम लोगों ने कुत्ते को खिला दिया, वो उसके नसीब में था तो वो उसे मिल चुका है। फिलहाल अभी आया मस्त है। आज मेरे को एक चीज पता चला, दाने दाने में लिखा है खाने वालों का नाम और गिराने में लिखा है विकास छेत्री का नाम। फिलहाल आ चुके गाइस मस्त सी चाय, मैंने एक ग्लास गरम दूध भी मंगाया बिकॉज ठंडा हो रहा है तो दूध पी करके निकलेंगे। काजा यहाँ से ना अप्रॉक्सिमेटली केवल 85 किलोमीटर बचा है, अब हाईवे आ गया तो इट्स गोना टेक लाइक 2 आवर्स, तो आज हम लोग फाइनली काजा पहुंचेंगे एंड आई एम रियली हैप्पी बॉयज। तो यार अभी हम लोग चांगो का रुके थे एंड हम लोग यहाँ ना कुछ खाने के लिए रुके थे, ये वाला रेस्टोरेंट था जिसमें हम लोग खाने के लिए रुके थे एंड ये सारे लोग मिले हम लोगों को। व्हाट इज अप? एंड ये लेके आए क्या बोलते हैं भाई इसे? खातक भैया, ये खातक है, ये हमारे काफी शुभ चीजों में यूज किया जाता है भैया। ओके ओके। और ये किसी जो बड़े बड़े लामा होते हैं उन्हें ही लगाया जाता है ये। आप बहुत ही हमारे खास भाई हो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। सो यार हिमाचल से अलग मोहब्बत मिल रही है, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, है ना। भाई के पास ना KTM 125 है, मैं इससे पूछ रहा था, मैंने कहा यार मैं रास्ते में आकर के कोई शोरूम मिला नहीं, भाई सर्विस का करा दो तुम KTM के, बताओ। सोलन भी है। सोलन कितना दूर है से? सोलन काफी 300-400 किलोमीटर। तो भाई तुम 400 किलोमीटर सर्विस कराने जाते हो? ये बाइकर्स गाइस हिमाचल के। तो यार इन आंटी के रेस्टोरेंट पे रुके थे हम लोग और आंटी हमें दे रही है सेब, ये प्योर हिमाचल के सेब आंटी, कहाँ के सेब है, खेत की। थैंक यू आंटी, आपका खाना बहुत अच्छा था एंड पैसे भी बहुत कम लिए आपने, बाय बाय। भाई हमें सेब भी मिले यहाँ से, एक बार सामान चेक कर लेता हूँ कुछ छूटा ना हो बिकॉज अगर चार्जर छूट गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। यार ये बैग में डाल दोगे प्लीज? तो यार हमें मिला है खातक एंड बहुत अच्छा सा लगा मेरे को, बहुत मजा आया भाइयों मिलके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हाँ बाय 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 बाय, मस्त एकदम। हम लोग शायद यहीं रुकेंगे यार ताबो में ना। तो यार हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एंड एक्चुअली मैंने आपको बताया था मेरे ग्लव खो गए थे, तो यार ये जो लड़के मिले थे हेल्प आउट कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग ग्लव बिकॉज यार बहुत ठंडा होने वाला है यहाँ पर ही, मुझे ठंडा लग रहा है तो आगे जा करके तो आई रियली डोंट नो क्या होने वाला है यार, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत प्यार करते हो यार तुम लोग, सही बता रहा हूँ यार, हर जगह ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प आउट करने के लिए मिल ही जाता है। सो यार हमारे लिए आ चुके ग्लव्स एंड मैं इसी के ऊपर पहनने वाला हूँ, थैंक यू सो मच भाई, मैं भाई आते टाइम वापस कर दूंगा, मैंने यही सहना है। तो यार एक्चुअली क्या हुआ, मैं वहाँ से निकला था बट GoPro ना फ्रीज हो गया, इतनी ठंड हो रही है कि भयंकर GoPro भी नहीं चल रहा है। वो जितने भी सारे लोग थे ना गाइस उन्होंने आपके बाबू भैया को दिए खतरनाक वाले ग्लव एंड मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, लोग इतना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते ना, मैं कहीं पर भी जाता हूँ लोग इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ जिस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाना खाया उन आंटी ने केवल 240 रुपये लिया जबकि हम लोगों ने इतना सारा खाना ऑर्डर करा था, अगर उनको हमसे पैसे लूटने होते ना वो आराम से लूट लेती बट शी वॉज सो काइंड टू अस एंड ये चीज़ें बहुत इमोशनल कर देती है कभी कभी मेरे को। वो अननोन लोग थे मेरे लिए, फिर भी आपको पता है मैंने बताया था मेरा ग्लव खो गया, उन लोगों ने मेरे लिए ग्लव की अरेंजमेंट करा, वो बोल रहे थे भैया आराम से जाना ऊपर बहुत ठंड है। एक्चुअली मैं गाइस अगर ये ग्लव नहीं मिलते ना तो मेरे पास का नहीं था ऊपर जा पाना, मैं ऊपर नहीं पहुंच पाता किसी भी हालत में बिकॉज बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो मेरे पास इक्विपमेंट है बट जो मेरे पास ऑलरेडी जो ग्लव थे ना उनसे ठंड नहीं रुक रही थी एंड अभी ऊपर टेम्परेचर -17, -18, -23 तक जाने वाला है, बहुत क्रेजी सीन होने वाला है ऊपर। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ नीचे भी आर्मर पहन ही लेता हूँ बिकॉज ठंड अब अनबेयरेबल होती जा रही है धीरे धीरे। सो गाइस आई गेस देयर इज अ चेकिंग। ये कितनी देर पहले गया था सर? 10 मिनट। ओके एक स्टिकर होगा मेरे पास सर। ओके ओके मैं दे देता हूँ सर आपको, एक ही स्टिकर होगा मेरे पास, हे भगवान मेरे पास स्टिकर हो, ये लो सो एक ही स्टिकर है मेरे पास लास्ट, ठीक है
सो गाइस बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, हम एक पुलिस पे चेकिंग पोस्ट के लिए रुके थे, हेड पुलिस वाले सर स्टिकर मांग रहे थे, मैं तो शॉक हो गया था, मैंने कहा व्हाट द फक क्या बोल रहे हैं। जो यार शाम के बज रहे ऑलमोस्ट 7 एंड टेम्परेचर बाइक में दिखा रहा है 1 डिग्री, बट टेम्परेचर ऑलरेडी -7 जा चुका है। बट मैंने कपड़े बहुत भयंकर पहने हुए, ऊपर से तो ठंडी लग रही है, नीचे से मैंने केवल एक इनर और एक जीन्स डाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे रुक करके ना एक विंड शीटर भी पहन लेता हूँ, बिकॉज मेरे को बस नीचे से हल्का सा ठंडा लग रहा है, बाकी सब जगह एकदम मस्त है। थोड़ी देर पहले नेटवर्क आए थे फोन में, अब फिर से चले गए। अब यहाँ से ना हमारे 2 स्टॉप है, पहला स्टॉप 30-35 किलोमीटर के बाद एंड दूसरा स्टॉप कहाँ होगा। तो यार बाइक में टेम्परेचर जा चुका है -1 एंड एक्चुअली मेरे को फील भी हो रहा है नीचे से, बिकॉज नीचे से कुछ फील ही नहीं हो रहा है। यार मैं विंड शीटर लेके आ रखा था, तो I'm gonna wear that. So guys, मैंने लगा लिया नीचे से विंड शीटर एंड अब उम्मीद है कि नीचे से ठंड नहीं लगेगी। So guys, finally we have reached ताबो एंड हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग यहीं स्टे लेंगे। सो यार अभी हम लोग पहुंचे होम स्टे में एंड हम लोग ताबो ही स्टे कर रहे हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, यानी सूखी ठंड पड़ रही है भयंकर वाली। एंड थिंग्स गाइस, हम लोगों ने कहा जाना था बट वी आर स्टेइंग हियर बिकॉज हिम्मत नहीं आगे जाने की। नीचे से देख रहे हो भयंकर, मैंने पूरा ये एक रेनकोट पहन रखा है एंड हमें जो होम स्टे मिला ना वो भी बहुत अच्छा है। हिमाचल के लोग वैसे भी बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बोलते रहा हूँ। फिलहाल मैं तो अपना बैग उतार रहा हूँ, विकास अपना बैग नहीं उतार रहा है, मैं अपना ये वाला बैग उतार रहा हूँ और फ्यूल भी निकाल रहा हूँ, बिकॉज रात का किसी को कुछ आइडिया नहीं है, कोई फील निकाल के भग गया तो लग जाएंगे हमारे। एंड अपने बैग निकालते हैं, चलते नीचे बिकॉज यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है। सो यार फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ मेरी तो हालत खराब हो गई है, मेरे तो बोला भी नहीं चाह रहे, रास्ते में ब्रेक्स भी नहीं लग रहे थे। फाइनली हम लोग पहुंचे एक होम स्टे में, इन अंकल और इन आंटी का होम स्टे। क्या नाम है भाई आपके होम स्टे का? ग्रीन तारा। सो गाइस अगर आप ताबो आ रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ रुक जाना, मस्त रूम है। इस रूम में ना एक्चुअली तंदूर लगा है ना, ये तंदूर ही है ना भाई? हाँ जी, इसको तंदूर बोलते हैं। तो ये तंदूर लगा है, इस रूम में ना अलग ही गर्म हो रखा है। मैं बड़ी मुश्किल से सामान उतार के आया एंड द बेस्ट थिंग इंटरनेट की स्पीड आ रही है 100 Mbps, 150 Mbps, मेरे घर पे नहीं आती 150 Mbps, यहाँ इंटरनेट स्पीड बहुत अल्टीमेट है। तो मैं रात को ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूंगा बिकॉज कल वाले ब्लॉग में ना मेरा स्पॉन्सर जाना है, तो उसको अनलिस्टेड रात को भेजना पड़ेगा। फिलहाल अभी पानी आ रहा है, गर्म पानी एंड वो पीते फिर ब्लॉग करते गाइस। एंड ये मच नीडेड था भी बिकॉज मेरे तो दिमाग भी प्रोसेस नहीं कर रहा क्या ब्लॉग करना, वैसे पीता हूँ भी। And let's get normal and cozy. So guys, finally हम लोग बैठे खाना खाने के लिए एंड होमस्टे का सबसे बेस्ट सीन ये रहता है कि हम लोग यहीं पर बैठ के खा रहे हैं। ये लगा हमारा तंदूर एंड क्या क्या बना आज खाने के लिए? दाल, सब्जी, रोटी और राइस। एक्चुअली यार बहुत भूख लग रही थी एंड घर का खाना खाए हुए वैसे भी बहुत टाइम हो गया था, हम लोग बाहर होटल्स में ही खा रहे थे। सो आज हमें प्रॉपर घर का खाना मिलने वाला है, खाना खाते हैं अभी, बहुत भूख लग रहा है। तो यार मैंने खाना खा के आया हूं एंड लेट मी जस्ट टेल यू, खाना बहुत अच्छा था, घर का खाना खाने को मिला, बट मेरी ना तबियत थोड़ी सी खराब हो गई बिकॉज मैंने वाइजर 10-15 मिनट खुला रखा था तो सर दर्द हो गया एंड बहुत ज्यादा तबियत सी खराब हो रही है। फिलहाल अभी तबियत सही करने के लिए वी हैव गॉट दिस बॉर्नविटा वाला दूध, ये आपको पता है मैंने किससे सीखा है। फिलहाल अभी बॉर्नविटा वाला दूध पी रहे हैं एंड इसके बाद सोने के लिए जा रहे हैं बिकॉज हम रियली टायर्ड एंड उम्मीद करता हूँ तबियत खराब ना हो। एंड ये भी उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को स्पीति सीरीज पसंद आ रही होगी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड एंड ट्रस्ट मी, आज की ना सुबह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सुबह है बिकॉज जिस होम स्टे में हम लोग आए थे ना वो बहुत अच्छा होम स्टे था। एंड यहाँ से जब आपके पास सुबह की चाय आ रखी हो एंड आप अपनी खिड़की खोल करके बाहर का नजारा चेक करें, तो ये चेक करें बॉय, सच एन अमेजिंग प्लेस टू हैव इन मॉर्निंग। एंड मैं बता रहा हूँ रात को जो नींद आई ना वो इतनी नशे वाली नींद आई ना, मुझे तो पता भी नहीं लग रहा था मैं कहाँ पर था, मैंने 3-4 कंबल ऑर्डर करके प्लस वो हीटर भी ऑन कर रखा था। रात को बाहर का टेम्परेचर -21 था, मैंने रात के अराउंड 2 बजे देखा था, सोचो -21 चला था बाहर का टेम्परेचर। अभी भी बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है बट फिलहाल अभी टेम्परेचर 13 डिग्री के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग पी रहे हैं सुबह की चाय, गुड मॉर्निंग, लाल के लिए गाइस। अभी हम लोग व्लॉग एडिट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग छत पे जाएंगे एंड यहाँ की जो दो लड़कियां हैं ना जो मैनेज कर रही है, दे हैव गॉट अ स्पेशल सरप्राइज फॉर अस, तो छत में जा करके वो चेक करेंगे। तो गाइस फाइनली हमारा नाश्ता आ चुका है एंड मैं बताता हूँ यहाँ पर ना हीटर फुल टाइम नेसेसरी है। फिलहाल मैंने हीटर इसलिए बंद करा क्योंकि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, इसमें आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग यार, इन लोगों ने ऐसा ना घर वालों की तरह ध्यान रख रखा है, मैं तो सुबह से सो रखा था जैसे मैं घर ही पर हूँ, बिल्कुल घर वाली वाइब आ रही थी यहाँ पर। एंड द थिंग इज गाइस, नाश्ते के लिए हमारे पास आ रखी है पूरी, आलू की सब्जी, दही, चाय और चीनी। चीनी मैंने इसलिए मंगाई है बिकॉज दही था, मैंने इनको रात को मलाई के लिए बोला था बट मलाई अरेंज हो नहीं पाई, तो कोई नहीं दही खा करके काम चला लेंगे। फिलहाल अभी मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ गाइस बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11 एंड आज एक स्पॉन्सर भी देना अप्रूवल के लिए। सो फटाफट नाश्ता करते हैं, एडिटिंग करते हैं और मिलते हैं आपसे। सर दिस इज अनदर डे इन ताबो, एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस देनी थी एंड इंटरनेट का भी बहुत इशू था, तो मैंने सोचा आज यहीं पर रुक करके हम लोग वीडियो दे देते हैं। फिलहाल आज बाबू भैया जा रहे कमाल काम करने के लिए, बाबू भैया नहाने वाले स्पीति वैली में एंड ना नीचे मेरा पानी गर्म हो चुका है। एंड जितने भी लोग बोले थे ना बाबू भैया इतने दिन से नहाई नहीं, फाइनली बाबू भैया आज नहाई लेंगे। बस मुझे ना थोड़ी सी डर भी लग रही है बिकॉज बहुत ज्यादा ठंडा है नीचे, बट ऑलमोस्ट 7-8 दिन तो हो गया मैं नहाई नहीं हूं, इतनी ठंड में नहीं नहा सकता था यार, तबियत खराब हो जाती है। अभी भी मेरी तबियत खराब हो रही है बट आज नहाई लेता हूं, चलते हैं नीचे कपड़े लेकर के नहा के आते हैं।
तो यार बाबू भैया करने वाले एक बहुत भयंकर और हिम्मत का काम। बाबू भैया नहाने वाले काजा में, जस्ट चेक दैट आउट कितनी बर्फ बर्फ हो रखी है। एंड मैं वॉशरूम में नहीं ना रहा हूँ, बिकॉज वॉशरूम बहुत ज्यादा ठंडा होगा। सो वी हैव गॉट अ पॉली हाउस हियर, एंड यहाँ अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा गर्म है। एंड ये रे गर्म पानी और ठंडे पानी की बाल्टी, आई नो थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, बट बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। तो मैं जा रहा था नहाने के लिए, बाहर से कुत्ते भौंकने लग गए, उन्हें पता है बाबू भैया कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, ये वाला ना बहुत ज्यादा गर्म पानी है, ये वाला भी बहुत ज्यादा गर्म पानी है, ठंडा पानी इसके अंदर है। एंड मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ, टेम्परेचर हो रहा है ऑलमोस्ट -5। कुत्ते भी खुश हो गए स्पीति वैली की बाबू भैया नहा रहे, लेकिन अगर मैं नहाने के बाद जिंदा बच गया तो ये व्लॉग जरूर आएगा। बट एक गुलाबी दिल पक्का ड्रॉप कर रहा है, बाबू भैया इतनी ठंड में नहा रहे गाइस। यार बाबू भैया ने आखिरकार वो काम करके दिखा दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। फाइनली बाबू भैया -5 डिग्री में नहा चुके हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन हाउस है इसलिए इसके अंदर ठंडा नहीं लग रहा है। अगर मैं ऐसे नंगा पंगा होकर बाहर निकल गया ना तो मेरी मौत है सीधा सीधा, बिकॉज बाहर -5 to -10 डिग्री चल रहा है। वॉच मेरा -5 शो कर रही है, बट अब मैंने भी गूगल मैप पे चेक करा तो इट वॉज -11। बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। फिलहाल कपड़े पहनते हैं और कॉमेंट सेक्शन में एक गुलाबी दिल तो बनता है ब्रो, सिन बाबू भैया के लिए एक गुलाबी दिल। बदबू नहीं आ रही रूम में, खुशबू आ रही होगी ना, कितना दिन में नहाए हो भाई, खुशबू आ रही होगी ना मेरे से। ओ माय गॉड, पूरी स्पीति काजा में ना ऐसा खुशबू लहर दौड़ रही है ना, बट जैसे ही मैं इस रूम में एंटर करा ना जल गया था, आज फिर से उगने लगा है। फाइनली गाइस मैं नहा चुका हूं, हैंड में बता रहा हूं बाथरूम के अंदर तो ठीक था, बाहर आके भाई बाहर आके बहुत ठंड है। कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना 15 दिन में। जस्ट किडिंग गाइस, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था, मैं फटाफट अंदर आ गया हूं। एंड अभी जा रहे दूसरे वाले रूम में आग सेकने के लिए, बिकॉज इधर बहुत ठंडा है यार। सो यार फाइनली मैं वो रेडी, एंड मुश्किल से मुश्किल मैं 10 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आऊंगा। सांस फूल गई यहाँ पर और बहुत ठंडा हो रहा है, बट लुक एट दैट सनसेट, बहुत अमेजिंग सनसेट है। फिलहाल मैं स्लीपर्स में घूम रहा हूँ, मेरे जो शूज हैं वो इस बैग के अंदर है। एंड मैं आपको एक बेस्ट चीज बताता हूँ हिमाचल के बारे में, हम लोगों ने ना अपना फ्यूल यहीं पार्क कर दिया था बाहर, डर लग रहा था कि कोई उठा के ना लेके चल जाए। बट ऑनेस्टली हिमाचल के लोग आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई हैव एवर मेट, बिकॉज रात भर फ्यूल बाहर था एंड किसी ने टच तक नहीं करा हमारे फ्यूल्स को। फिलहाल अभी शूज निकालते हैं एंड अंदर चलते हैं, बिकॉज बाहर बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है यार। यार जो स्पेशल चीज के बारे में आपको बता रहा था, लुक हियर जूले। एक्चुअली हम लोग जिनके होम स्टे में रुके ना, दोस पीपल है स्पितेंस एंड इनका ना एक कल्चरल ड्रेस है यहाँ पर, एंड ये लोग रेडी हो रहे हैं। फिलहाल विकास भी रेडी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ के लोकल कल्चरल ड्रेस में थोड़ी फोटोज खिंचाने वाले हैं। एंड ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव बीन टू लेह लद्दाख, वहाँ मेरे को ये सब चीज एक्सप्लोर करने का टाइम मिला। बट हमारे किस्मत अच्छी थी कि हम लोग काजा रुक गए एंड वी गॉट सच अ गुड होम स्टे। फिलहाल अभी पहनते हैं, तो गाइस बाबू भैया पहनने वाले स्पितेंस ड्रेस एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम वेयरिंग दिस। अंदर वाला हुड निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा भाई, इसमें ऊपर में आ जाएगा। एक्चुअली मैंने ना अंदर वाला हुड निकाल दिया, बिकॉज जब हम लोग ये ड्रेस पहने तो फिर हम प्रॉपर ही पहनेंगे। अंदर वाला जो मेरा हुड था ना वो बहुत ज्यादा चमक रहा था, अब हम लोग प्रॉपर भाई इसमें हम लोग दोनों जैसा 3-4 घुस सकते हैं। गाइज हम लोग हो चुके हैं रेडी, एंड स्पेशल थैंक्स टू टेंशन गाइज, इन्होंने बहुत ध्यान रखा हमारा एंड इन्होंने ड्रेस पहना दिया। एंड लाइक टेल अस अबाउट दी ड्रेस, शर्माता कौन है गाइज, हियर इज टेंशन एंड इनको बहुत शर्म आती है, लेकिन शी इज गोना टेल अस अबाउट द ड्रेस। क्या क्या ड्रेस है टेंशन, ये स्पीति हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, स्पीति जो लड़कियों ने पहना हुआ ना ओके इसको बोलते हैं हम सुलमा, और जो जेंट्स के लिए होता है ये होता है हमारा छुआ। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई करने के लिए। सो यार मैं लग रहा हूँ एकदम कुंफू मास्टर, आजकल मैंने कुंफू पांडा देखी थी एंड ऊपर ना बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बट हम लोग बाहर जाकर के कुछ सिनेमैटिक लेंगे। लेट्स गो आउटसाइड बॉयज। एक्चुअली यार अभी शाम के बज चुके 5 एंड पूरा पूरा सनसेट हो चुका है उधर से। मेरे पीछे जो व्यू है ना इस ड्रेस के साथ वो बहुत अल्टीमेट है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इस ड्रेस के बारे में बता देता हूँ, ये वाली ड्रेस तब पहनते हैं जब शादी में जा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना बाबू भैया शादी कब कर रहे हो, तो बाबू भैया ने स्पीति में आके शादी का प्लान कर ही लिया। यार हम लोग शूट करके तो आ गए, बट मैं आपको बता दो हमारे हाथ पैर एकदम सुन हो चुके, जन हो चुके, मेरे तो हाथ से कैमरा भी नहीं पकड़ जा रहे हैं। ब्लॉगिंग तो छोड़ दो, बहुत ज्यादा ठंडा था ऊपर, बट हम लोगों ने बहुत मस्त मस्त रील्स एंड सिनेमैटिक्स लिए हैं एंड हम लोग चाय पी रहे हैं नीचे जाकर के। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए। थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना ध्यान रखा, हम लोगों का बहुत अच्छे से ट्रीट करा। अगले साल भी हम लोग पक्का आपके हॉस्टल में आएंगे।
एंड हमने हॉस्टल का नाम बता दो ताकि लोग भी यहाँ पर आ सके। हमारे होमस्टे का नाम है ग्रीन तारा होमस्टे ताबो, और ये सड़क के सामने एक माइलस्टोन लगा है, वहीं पर डायरेक्शन आपको वहाँ से पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पर आकर के स्टे कर सकते हैं यार, बहुत अच्छी फैमिली है, एकदम घर घर वाला फील है। फिलहाल अभी ये उतार करके चेंज करते हैं एंड अपनी जैकेट्स एंड वार्मर्स पहनते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंचे रूम में एंड उंगलियां देख लो बिल्कुल रेड हो चुकी है। फिलहाल अभी मंजू चला रही है आग यहाँ पर एंड ये मंजू के चाचा जी। हेलो चाचा जी, कैसे हैं आप? बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है आपके यहाँ तो। सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट लाइक डेड, आग चलेगी उसके बाद चाय चाय पियेंगे तब जा करके जान में जान आएगी। मेरा प्लान था नीचे मॉनेस्ट्री घूमने का, वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया, कड़कड़ होकर वापस आऊंगा यार मैं। तो गाइज मस्त आ चुकी है हमारी अदरक वाली चाय एंड इस मौसम में आपको चाय पीना बहुत जरूरी है भाई, बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है। मैं सोचता था कि यहाँ पर ना बहुत मुश्किल होगा, बट मेरी इन लोगों से बात हुई तो देवर सिंह यहाँ इतना कुछ मुश्किल वाला सीन है, बस सर्दियों में ना पानी जम जाता है वही एक बहुत बड़ा इशू है, बाकी ऑल ओवर टाइम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर है तो कोई टेंशन नहीं है। एंड सबसे अच्छा पता है एयरटेल के ना लाइक 150 Mbps की स्पीड है, सो इंटरनेट है, वाईफाई और क्या चाहिए आपको। तो यार शाम हो रही है एंड एक्चुअली मुझे ना शॉप से कुछ सामान लेना था, वी आर गोइंग टू शॉप एंड खुशकिस्मती है कि वी हैव गॉट अ कार हु इज जस्ट टेकिंग अस देयर, बिकॉज बाइक पे तो पॉसिबल नहीं था यार। तो गाइस जो भैया हम लोगों को लेके जा रहे हैं वो भी हमारे सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच भैया हमें ड्रॉप करने के लिए।